गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे इस क्लास में डिस्कस कर रहे थे हम लोग क्या थे नेशनल एंथम की हम लोग को पढ़ा दिया था नेशनल एंथम। हम लोग ने इसके पहले कुछ टर्म्स की बात किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स पढ़ा था। अब हम लोग को पढ़ना है कि नेशनल एंथम क्या होते हैं, उसके एग्रीगेट्स क्या हैं। तो उस एग्रीगेट्स के लिए हम लोग बात करें कि नेशनल एग्रीगेट मतलब होता है सबको जोड़ करके, एक साथ कंबाइंड करके, मतलब नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, सबको पढ़ना है, इसके अंदर सबकी बातें करनी है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को नेशनल इनकम पढ़ने हैं। तो हमने एक बात किया कि जो नेशनल इनकम होता है कि कैसे होता है, मान लेते हैं तो थोड़ी कहानी है कि एक चंगू मंगू होता है जो जाते हैं कहाँ, दूसरे देश में चले जाते हैं कुछ पैसा अर्न करने के लिए। अब सवाल खड़ा हो जाता है कि कमाता तो दूसरे कंट्री के अंदर है, लेकर के आता है इंडिया के अंदर। बात है इसकी, क्या वो इंडिया का इनकम होगा या नहीं होगा, उस चंगू मंगू के इनकम को क्या इंडिया का इनकम माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, इस बात का सवाल है। इस सवाल को देखने के लिए, इस प्रश्न को, इसका सवाल है कि ऐड करेंगे कि नहीं, ऐड करेंगे या नहीं करेंगे। यहाँ से देखेंगे नेशनल इनकम, जब पढ़ेंगे आप लोग को क्या कुछ बेसिक डेफिनेशन पता होंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होंगे, तो हम बता पाएंगे कि हाँ अच्छा कमा क्या है ना, हम लोग ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस बात का डिसीजन हम लोग तब ले सकते हैं। तो देखेंगे कहता है कि नेशनल इनकम क्या है। तो नेशनल इनकम के बारे में बताया गया कि सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, क्या चीज, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट, यानी सम टोटल ऑफ, सम टोटल मतलब सबको ऐड कर दीजिए, ऑफ फैक्टर इनकम, बात करता हूं मैं फैक्टर इनकम की, एक मिनट, अर्नड बाय द, कौन कमाएगा, नॉर्मल रेसिडेंट कमाएगा ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड, एक साल में कमाएगा, जो भी पैसा कमा लेगा उसे हम नेशनल इनकम में इंक्लूड कर देंगे। तो बात करते हैं क्या होता है फैक्टर इनकम, कौन होता है नॉर्मल रेसिडेंट, क्या होता है अकाउंटिंग पीरियड, ये हम लोग बातें करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पर हमने बताया कि आपको बताना क्या है, फैक्टर इनकम क्या है, फैक्टर इनकम क्या है। तो हम बात करें अगर फैक्टर इनकम की, तो फैक्टर इनकम चार होते हैं। फैक्टर किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के, किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन में चार चीजें यूज हो सकती हैं, इन चार के अलावा कुछ भी यूज नहीं हो सकता, ये चार चीजें ही यूज होती हैं, इसलिए इसको बोला जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन करने के फैक्टर्स हैं ये। तो उस फैक्टर्स में क्या है, सबसे पहला लैंड, लेबर, हम लोग लैंड, जमीन होगी, जगह होगी तो फैक्ट्री लगाएंगे, और फैक्ट्री लगाने के लिए क्या चाहिए, लैंड चाहिए, जगह चाहिए, लेबर। अब प्रोडक्शन करने के लिए अगर मशीनरी लगा दिया, जगह है, लैंड है, बिल्डिंग बना दिया, मशीनरी लगा दिया, प्रोडक्शन करने के लिए लेबर की जरूरत है, ठीक है। तीसरा फैक्टर क्या, आप ये बताइए, लैंड है, सब कुछ है, कैपिटल नहीं होगा तो क्या प्रोडक्शन पॉसिबल है, क्या नहीं पॉसिबल है, तो हमको क्या चाहिए होगा, कैपिटल चाहिए होगा। और उसके बाद कौन होगा, एंटरप्रेन्योरशिप होगा, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब एक ओनर होगा बिजनेस का, जो रिस्क बियर करेगा, जो मालिक होगा कंपनी का, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जो बिजनेस में क्या करता है, रिस्क बियर करता है। यानी ये चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हेल्प करते हैं किसके लिए, इकोनॉमी में गुड्स के प्रोडक्शन के लिए। ये चार बातें अगर अच्छी हो जाए ना, तो देश की इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी, देश की क्या हो जाएगी, इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी। ये चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि सभी इकोनॉमी में जो हम लोग मेजर करते हैं ग्रोथ को, वो प्रोडक्शन के बेसिस पर हम लोग मेजर करते हैं। तो बताएगा प्रोडक्शन कैसे पॉसिबल है, जब प्रोडक्शन के फैक्टर होंगे तब अच्छे, और फैक्टर जो अच्छे हैं हमारे क्या है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल की कमी है, तो थोड़ा सा प्रोडक्शन में कमी है। अब बात यही है कि इन सब चीजों से, ये मेरा विचार क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये चार बातें हैं कैपिटल किसके लिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के, चार बातें प्रोडक्शन की फैक्टर में यूज होती हैं, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। आप बताएंगे हम कैसे कहेंगे कि इनकम कैसी है फैक्टर की, कैसे कमाई होगी, लैंड होगा तो कैसे कमाई हो जाएगी, किस चीज की, इसी को देखना है। बताएगा जब मेरे पास लैंड होगा तो उसका रेंटल इनकम मिलेगा,
आप कहेंगे अपनी कंपनी लगाओगे तो रेंट एंड इनकम कैसा? अरे भाई जब मैं फैक्ट्री लगाऊंगा तो प्रोडक्शन होगा, सेल होगा, कुछ प्रॉफिट आएगा। जब पैसा आएगा मैं कहूंगा अच्छा ये बिल्डिंग बनाने से फायदा क्या, प्रोडक्शन करने से फायदा क्या, तो मेरी जमीन का रेंट भी नहीं निकल रहा है। मतलब अगर इसको हम लेट आउट कर देता दूसरे को तो जितना रेंट मिलता अगर उससे ज्यादा हम कमाई नहीं कर पाते तो क्या प्रोडक्शन करते क्या? नहीं करते ना। तो इसलिए हमको जब मेरा लैंड यूज करूंगा बिजनेस में तो उसकी कमाई क्या होगी? रेंटल इनकम की होगी, रेंट के इनकम की होगी। फिर बात करें लेबर से, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई, लेबर होगा ना, कंपनसेशन मतलब उधर क्षतिपूर्ति देना उसको, जो काम कर रहा है उसके बदले क्या देना, कुछ पैसा प्रोवाइड करना, कुछ पैसा देना कंपनसेशन मतलब उसके बदले देना। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई में क्या बातें दे सकते हैं हम, क्या क्या एम्प्लॉय को देते हैं? एम्प्लॉय को या तो सैलरी दे रहे होंगे या तो वेजेस दे रहे होंगे, ठीक है। तीसरी बात, अगर कैपिटल लगाया तो कैसी इनकम होगी? कैपिटल है तो इंटरेस्ट की इनकम होगी। और एंटरप्रेन्योरशिप का क्या इनकम है भाई? एंटरप्रेन्योरशिप तो प्रॉफिट कमाता है साहब, उसी की तो सब खेल है, उसी का तो सब खेल है। क्या कमाता है? प्रॉफिट। तो हम लोग ने चार बातें सीखी, फैक्टर इनकम, सबसे पहले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, चार है फैक्टर, कौन कौन? सबसे पहला फैक्टर है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। कैसी कमाई होगी इस पे? लैंड पे रेंट की कमाई हो जाएगी, लेबर पे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय होगा मतलब सैलरी या वेजेज होगा। फिर हमारा कैपिटल होगा, कैपिटल पे क्या मिल सकता है? इंटरेस्ट मिल सकता है। और तीसरा एंटरप्रेन्योरशिप को क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। एंटरप्रेन्योरशिप को क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। फिर बात करना था हमको यहाँ आगे कि पहला बात हमने कर लिया फैक्टर इनकम क्या है। अब किसी से हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें, अगर ये चार फैक्टर, जरा सोचिए चार फैक्टर अगर किसी का बहुत स्ट्रांग हो, एकदम भरा पड़ा हो चारों फैक्टर, तो मतलब ये चार फैक्टर होगा उस देश की इकोनॉमी कहाँ पहुंच जाएगी? देश की इकोनॉमी टॉप पे पहुंच जाएगी। क्यों? क्योंकि चार फैक्टर अगर अवेलेबल होंगे तो रिस्क लेने वाला होना चाहिए, पूंजी होनी चाहिए, कैपिटल होनी चाहिए, उसको काम करने वाले लेबर होने चाहिए, और तीसरी बात लैंड होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए प्रोडक्शन के लिए। ये चार बातें हैं तो इकोनॉमी एकदम टॉप लेवल पे पहुंच सकती है, ऐसा अमेरिका के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि उसके पास कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरर है, रिस्क बियरर है, तो ऐसा होता है। फिर हम लोग को यहाँ पे दूसरे नंबर पर बात करना है नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है, नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है। तो देखेंगे नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब होता है कि सभी इकोनॉमिक, ऑल इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द कंट्री, सभी इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनको इंडिया में मिलता है, इस देश के अंदर उसको सभी इकोनॉमिक इंटरेस्ट मिलता है, अचीव करता है वो इंडिया के अंदर सभी इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो हमको समझ में, अरे भाई इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे पता करेंगे इकोनॉमिक इंटरेस्ट को? तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है कैरिड आउट ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी सच एज प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, वो सभी प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन को अगर इंडिया के अंदर करता, प्रोडक्शन भी करता है और इंडिया में कंजम्पशन भी करता है, तो कि वो नेशनल इनकम यानी कि वो नॉर्मल रेसिडेंट होगा, मतलब कंज्यूम करता है इंडिया के अंदर और प्रोड्यूस भी इंडिया के अंदर करता है, तो वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है। यानी हम लोग क्या क्या है, हम लोग का इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, यहाँ हम लोग का इकोनॉमिक इंटरेस्ट है क्योंकि हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस भी कर रहा हूँ और कंज्यूम भी यही कर रहा हूँ, तो क्या है इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, तो इसलिए कौन हूँ मैं, यहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट हूँ। फिर दूसरी कंडीशन, तो वो भारत के अंदर कितना दिन रह जाए, 182 डेज स्टे कर जाए, रह जाए तो भारत का वो क्या होगा, नागरिक, मतलब भारत के लिए वो क्या होगा, नॉर्मल रेसिडेंट। सिटीजनशिप और रेसिडेंट में डिफरेंस होता है, ध्यान रखिएगा, सिटीजनशिप मतलब उस देश का नागरिक, उस देश का व्यक्ति जिसके पास राशन कार्ड है, जिसके पास वोटर आईडी है, जिसके पास यहाँ का आधार कार्ड है, लेकिन फॉरेन का कोई व्यक्ति है जो आकर के यहाँ पे प्रोडक्शन करता है, वो यहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा, ना कि सिटीजन माना जाएगा, डिफरेंस रखेंगे साहब। जिसके पास वोटर आईडी होगा, राशन कार्ड होगा, हम लोग क्या है, हम लोग रेसिडेंट है भी है, सिटीजन है भारत के, कौन है, सिटीजन है भारत के।
तो यहाँ पे हमको ये पता करना है कौन द प्रोडक्शन, सारी एक्टिविटी अगर इंडिया के अंदर कर देता है तो कौन होगा उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ लाई करता है। अगर इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ लाई करता है तो वो रेसिडेंट हो जाएगा। अब बात है वो इंडियन भी हो सकता है और इंडियन नहीं भी हो सकता है। तो मैंने कहा ना वन एटीट्यूड ऑफ मे बी इंडियन मे नॉट बी इंडियन, वो इंडियन भी हो सकता है और बिना इंडियन भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि इंडियन ही हो। दूसरे कंट्री का आता है कोई यहाँ पे प्रोडक्शन करता है पैसा कमाता है, जरा बताएगा यहाँ पे प्रोडक्शन भी करता है और यही रहता है कंजम्पशन भी करता है तो बताएगा रेसिडेंट होगा कि नहीं, ये रेसिडेंट होगा, बिल्कुल रेसिडेंट होगा। फिर लेकिन इस कुछ बातों को एक्सेप्शनली रखा गया, कुछ बातों को छोड़ करके बात किया जाता है। जैसे कोई एजुकेशन के लिए आया हो, कोई एजुकेशन के लिए आया हो यहाँ पे, तो एजुकेशन के लिए भाई कहा गया छूट है तुमको, पढ़ो लिखो तुम जाओ, हम तुमको रेसिडेंट नहीं मानेंगे अभी, ठीक है ना। भारत के अंदर एजुकेशन फैसिलिटी के लिए आया हो, पढ़ने के लिए आया हो तो ठीक है, उसको छूट है इस बात से, उसको रेसिडेंट। अब रेसिडेंट होने से डर किस बात की है, डर इस बात के टैक्स देना पड़ेगा, डर किस बात के टैक्स चाहिए, अगर टैक्स चाहिए क्योंकि भारत में प्रोडक्शन करोगे तो टैक्स देना ही पड़ेगा, टैक्स की बात है रेसिडेंट हो। अब उस टैक्स के पर्पस के लिए इनको छूट दिया गया क्या, एजुकेशन, तुम आओ भारत में पढ़ो चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात मेडिकल, अगर दवा करवाने आए हो तो मेडिसिन मेडिकल फैसिलिटी के लिए आए हो, कुछ दवा करवाने आओ दवा करवाओ चले जाओ, पाकिस्तान से लोग आते हैं दवा करवाते हैं दिल्ली में और चले जाते हैं कोई दिक्कत नहीं, रेसिडेंट नहीं मानते, 6 महीने एडमिट है 1 साल तक एडमिट है तो वो मेडिकल फैसिलिटीज के लिए आए हैं तो उनको रेसिडेंट में हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। तीसरी बात होती है कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला, जैसे IMF की एक सेंटर है भारत के अंदर दिल्ली में, IMF का जो ऑफिस है वहाँ पे काम करने वाला साउथ अफ्रीका का है। अब बताएगा साउथ अफ्रीका का व्यक्ति अगर इंडिया के अंदर दिल्ली में लोकेटेड है वो IMF काम करता है तो हम अपना रेसिडेंट इंक्लूड कर लेंगे क्या, नहीं, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला व्यक्ति कभी भी रेसिडेंट नहीं होगा, कभी भी रेसिडेंट नहीं होगा। फिर उसके बाद से कोई एम्बेसी अगर लोकेटेड है इंडिया में दूसरे कंट्री की, हम कहें मलेशिया की या मैं कहूँ अमेरिका की, मैं कहूँ दूसरे कंट्री की मलेशिया की, मालदीव की जो एम्बेसी है वो दिल्ली के अंदर है, अब दिल्ली में वहां से मलेशिया का व्यक्ति काम करता है बैठा हुआ तो वह रेसिडेंट होगा क्या, रेसिडेंट नहीं होगा। लेकिन बताएगा क्या अपने देश का आदमी, अपने देश का सिटीजन, अपने देश का व्यक्ति दूसरे देश में जाकर के, दूसरे देश में जाकर के WHO में काम करता है तो क्या वो इंडिया का रेसिडेंट है या नहीं है, वो 4 साल तक वहीं रह जाता है WHO में काम करता, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, कहाँ दूसरे कंट्री में जाकर के काम करता है, थाईलैंड में जाके काम करता है, वहां के WHO में काम करता है जाके, आप बताइएगा क्या रेसिडेंट होगा या नहीं होगा। अपने देश का आदमी थाईलैंड जाकर के WHO में काम करता है तो हमारे देश का रेसिडेंट नहीं होगा, रेसिडेंट होगा वो, क्यों, क्योंकि हमने कहा ना दूसरे देश का व्यक्ति अगर हमारे देश में आके रहता है कहां एम्बेसी में, तो एम्बेसी में काम करेगा तो हम उसको रेसिडेंट नहीं मान रहे, तो मेरा व्यक्ति जाएगा तुम कैसे रेसिडेंट मान लेंगे भाई, नहीं मानेंगे ना वो देश वाले, नहीं हम उनको नहीं मान रहे हैं तो हमारे वाले को क्यों मानेंगे, तो इसलिए क्या होगा उनको रेसिडेंट नहीं माना जाएगा, उनको रेसिडेंट माना जाएगा और दूसरे देश से जो काम करा उसको रेसिडेंट नहीं माना जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे हम लोग। ये बातें हो गई एक्सेप्शन की। फिर आता है हमारे पास अकाउंटिंग टर्म्स की, क्या है अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है कि 1 ईयर 1 साल तक प्रोडक्शन कर लिया तो नेशनल इनकम में इंक्लूड कर दिया, यानी हम लोग एक सिंपल सा फार्मूला सिंपल सा डेफिनेशन पढ़ पाए हैं क्या चीज नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम का डेफिनेशन क्या था, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, सभी फैक्टर्स के इनकम को जोड़ दीजिए। मैं कहूँ कि अब हमारे देश में सब लोग कमा रहे हैं, कोई प्रॉफिट कमा रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, मतलब कि कोई लैंड है किसी के पास वो रेंट की इनकम कमा रहा है, कोई दूसरे कंपनी में काम करके वेजेज और सैलरी कमा रहा है, और तीसरा कोई भी लैंड है किसी के पास कोई कैपिटल लगा रहा है, जैसे कि शेयर होल्डर्स वो उसके ऊपर क्या कमा रहे हैं, इंटरेस्ट कमा रहे हैं, उसके ऊपर क्या कमा रहे हैं, रिटर्न कमा रहे हैं, उसके ऊपर क्या कमा रहे हैं, इंटरेस्ट कमा रहे हैं, अगर वो इंटरेस्ट कमा रहे हैं, ये सारी बातें अगर कोई पूछे हमारे देश का नेशनल इनकम जोड़ो तो नेशनल इनकम को कैसे जोड़ पाएंगे हम लोग, नेशनल इनकम को कैसे जोड़ पाएंगे, हम कहेंगे भाई ऐसा है देश का जो रेसिडेंट है ना
हमारे कंट्री का इंडिया का जो रेसिडेंट है ना जितने सब जो कमाते हैं, इसके अलावा तो कुछ कर ही नहीं सकता वो। जितने कमाते हैं ना सबका जोड़ दो, वही हमारे देश का नेशनल इनकम होगा, वही हमारे देश का क्या होगा, नेशनल इनकम होगा। यानी सम टोटल ऑफ एक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग, एक साल के अंदर नॉर्मल रेसिडेंट जितना भी पैसा कमा लेता है, चाहे यहाँ कमा ले चाहे बाहर जाके कमा ले, चाहे इंडिया में कमा ले चाहे इंडिया से बाहर कमा ले, वो सब भारत की इनकम में जोड़ा जाएगा। एक व्यक्ति है जो चला गया कहाँ, अक्सर लोग दुबई चले गए कमाने, जरा बताएगा दुबई एक फैक्ट्री में चला गया इंडिया से कमाने, क्या भारत की इनकम में ऐड करें या नहीं करें? इंडिया की इनकम में ऐड कर लेंगे, इंडिया के इनकम में ऐड कर लेंगे। फिर बात आती है फैक्टर इनकम में, चार बातें हमने बता दिया, फिर उसके बाद हमने कहा नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है, हमने कहा ऑल इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द कंट्री इज कॉल्ड द नॉर्मल रेसिडेंट, सभी उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करते हैं, सभी इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसको इंडिया के अंदर मिलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, नॉर्मल रेसिडेंट। क्या होता है नॉर्मल रेसिडेंट, ये होता है नॉर्मल। फिर हमने कुछ बात एक्सेप्शन बताया, एजुकेशन के लिए आए हो चले जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मेडिकल के लिए आए चले जाओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो ना जाओ, एम्बेसी में काम करते हो जाओ, बात जाओ, रेसिडेंट नहीं हो तो रेसिडेंट उनको नहीं बोलते हैं, यानी इन फिरंगियों को रेसिडेंट नहीं बोलते हैं, लेकिन उन लोगों को बोलते हैं जो लोग इंडिया के अंदर प्रोडक्शन भी करते हैं और कंजम्पशन भी करते हैं, उनको हम लोग रेसिडेंट बोलते हैं, चाहे वो इंडियन हो या इंडियन नहीं हो। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस क्लास। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डोमेस्टिक इनकम के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग कंपेरिजन करेंगे डोमेस्टिक इनकम और इंटरनेशनल इनकम में, फिर उसके बाद कन्वर्जन पढ़ेंगे, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे।